नमस्कार, तो आप देख रहे हैं डीवी न्यूज। दिल्ली के अति सुरक्षित क्षेत्र प्रगति मैदान टनल लूट मामले में दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को मंगलवार को ही पकड़ लिया था। पहले पकड़े गए दोनों आरोपियों की निशानदेही और पूछताछ के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर शेष 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह से अब पुलिस ने प्रगति मैदान लूट के सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की आरोपियों से पूछताछ जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में बेलगाम बदमाशों द्वारा लूट की यह घटना 24 जून 2023 की रात की बताई जा रही है। लूट के आरोप में गिरफ्तार सभी 4 आरोपियों ने प्रगति मैदान सुरंग के अंदर एक डिलीवरी एजेंट और उसके सहयोगियों से बंदूक की नोक पर 1.5 से 2 लाख रुपए की नकदी लूट ली थी। इस घटना की वीडियो फुटेज वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई थी। इस दौरान मंगलवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों की सूचना के आधार पर अन्य 2 आरोपियों को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।